गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट, दिस इज जेपी सर और स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन बंदन। करंट अफेयर के इस सेशन में आज हम लोग जनवरी 2023 से लेकर के जनवरी 2024 के बीच जितने भी इम्पोर्टेंट वार एक्सरसाइज हुए, युद्धाभ्यास आयोजित किए गए, उनके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, जो कि परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। यह पूरे एक वर्ष का वर एक्सरसाइज यहां पर आपको प्रस्तुत किया जाएगा और इससे ज्यादा इस चैप्टर से क्वेश्चन बनने का कोई सवाल ही नहीं होता है। शुरू करते हैं आज के इस सेशन को और आज का ये पहला प्रश्न। उससे पहले आपको बता दें कि ये सेशन उन सभी परीक्षाओं को, सिविल सर्विसेज सहित उन सभी परीक्षाओं को ध्यान में रख करके जारी किया गया है जहां पर करंट अफेयर पूछा जाता है। बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। फोर्थ एक्स विनवैक्स युद्धाभ्यास 2023 किससे संबंधित है? भारत एवं वियतनाम, भारत नेपाल, भारत ऑस्ट्रेलिया एवं भारत कजाकिस्तान। आपको बता दें कि विनवैक्स युद्धाभ्यास किसके बीच आयोजित किया जाता है, तो भारत और वियतनाम के बीच आयोजित किया जाता है। वियतनाम जो कि साउथ ईस्ट एशिया का एक देश है जिसकी राजधानी है हनोई, इसकी कैपिटल कहां पर है? हनोई, और इसकी करेंसी जो है डॉग, मतलब कुत्ता नहीं, इनकी जो है ये करेंसी है डॉग, इनकी करेंसी है। और आपको बता दें कि इसलिए भी वियतनाम चर्चा में रहा क्योंकि भारत के रक्षा मंत्री डिफेंस मिनिस्टर माननीय राजनाथ सिंह के द्वारा भारत का एक युद्धपोत वियतनाम को उपहार में दिया जाएगा। मॉरिशस, मेडागास्कर जैसे देशों के बाद अब ये मालदीव के बाद ये पहला देश होगा आसियान ग्रुप का जिसको भारत सरकार की तरफ से, भारत की तरफ से युद्धपोत उपहार में दिया जाएगा। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न का पहला विकल्प सही होगा। एक्स विन वैक्स युद्धाभ्यास कब आयोजित किया जाता है, कहां आयोजित किया जाता है, तो आप बताएंगे कि इसका आयोजन वर्ष 2023 में कहां पर आयोजित किया गया? जी, हनोई में आयोजित किया गया था। हनोई यहां की राजधानी है। आपसे दो ही तरह इस पर क्वेश्चन पूछेगा, या तो पूछेगा कि यह युद्धाभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित होता है, या नहीं तो पूछेगा कि कहां आयोजित हुआ है वर्ष 2023 में, क्योंकि जो अभी आने वाली परीक्षाएं हैं, चाहे आपका RO ARO एग्जाम या उत्तर प्रदेश PCS या UPSI, उसमें मैक्सिमम जो क्वेश्चन बनेंगे 2023 से ही बनेंगे। अगला प्रश्न देखें, सूर्य किरण 17वां युद्धाभ्यास संबंधित है भारत नेपाल से, भारत ऑस्ट्रेलिया से, भारत कजाकिस्तान से या भारत बांग्लादेश से। वैसे चूंकि ये सेशन लंबा होना है तो बहुत ज्यादा हर ऑप्शन पे मैं डिस्कशन नहीं कर पाऊंगा, फिर भी भारत और बांग्लादेश के बीच जो आर्मी के बीच युद्धाभ्यास होता है उसको संप्रीति युद्धाभ्यास कहते हैं, संप्रीति वॉर एक्सरसाइज कहते हैं, जबकि जो बांग्लादेश नौसेना और भारतीय नौसेना के बीच युद्धाभ्यास होता है उसको बोगो सागर के नाम से जो है जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? बोगो सागर के नाम से जाना जाता है, जिस पर आगे अभी जो है डिस्कस आप लोगों से किया जाएगा। वैसे कजाकिस्तान के साथ भी हम लोग युद्धाभ्यास का आयोजन करते हैं, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी युद्धाभ्यास किया जाता है, और अगर आपको बता दें तो भारत जो है 57 कंट्रीज के साथ जो है इस समय वार एक्सरसाइज कर रहा है, या तो रेगुलर बेसिस पर या इरेगुलर बेसिस पर, लेकिन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बस वही इंपॉर्टेंट हैं जो कि पिछले वर्ष में 2023 में हुए थे या फिर जनवरी 2024 में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसका आयोजन, सूर्य किरण युद्धाभ्यास का आयोजन कहां पर किया गया वर्ष 2023 में? इसका आयोजन अगर आपसे पूछे कि वर्ष 2023 में इसका आयोजन कहां किया गया, आप बताएंगे पिथौरागढ़। कहां पर? पिथौरागढ़। और ये पिथौरागढ़ पड़ता कहां है, कहां पर पिथौरागढ़ है? तो आपको बता दें पिथौरागढ़ है यूनाइटेड किंगडम, दैट उत्तराखंड।
कहां पर? उत्तराखंड में, जिसको कभी उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था, उत्तराखंड में ये है पिथौरागढ़। और यहीं पर काला पानी वो जगह थी जिस पर पिछले दिनों नेपाल के द्वारा अपना दावा पेश किया गया था। तो दो चीजें याद करें, सूर्य किरण युद्धाभ्यास नॉर्मल क्वेश्चन पूछेगा तो किन दो देशों के बीच आयोजित किया जाता है, अब नॉर्मल पूछेगा थोड़ा सा तो पूछेगा कि 2023 में इसको कहां पर आयोजित किया गया, और भी जो है जब इसको अब नॉर्मल करेगा तो पूछेगा कि वर्ष 2023 में इसका कौन सा संस्करण यानी कौन सा एडिशन जो है आयोजित किया गया था। और आपको बता दें कि यह युद्धाभ्यास भारत की सेना यानी इंडियन आर्मी और नेपाल आर्मी के बीच आयोजित किया जाता है। या तो युद्धाभ्यास जो होता है आर्मी के बीच आयोजित किया जाएगा, और नहीं तो फिर नेवी के बीच आयोजित किया जाएगा, और नहीं तो एयरफोर्स। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न का करते हैं हम लोग डिस्कशन। सेकंड, आस्ट्रा हिंद युद्धाभ्यास 2023 संबंधित है। भारत मलेशिया, भारत ऑस्ट्रेलिया, भारत कजाकिस्तान, भारत मंगोलिया, ये ऑप्शन इस तरह से सेट किया गया है कि आपको यहां पर फाइंड आउट करने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। वो इसलिए ताकि ये बातें जो है बिल्कुल आपके दिमाग पर क्लिक करें, वरना ऑप्शन में दिया जा सकता था भारत ऑस्ट्रिया, भारत ऑस्ट्रेलिया, भारत अर्जेंटीना, भारत अल्जीरिया, तो ऐसे जो है जब आएंगे मामले तब ये जो है शब्द आपको कंफ्यूज करेगा, वरना ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रा हिंद जो है आप याद रखना किसके बीच आयोजित किया जाता है, किन दो देशों के बीच आयोजित किया जाता है, तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आयोजित किया जाता है। ज्यादा समय ना लगे इसलिए जो है यहां मैंने नोट कर दिया है आप जो है कि वर्ष 2023 में इसका कौन सा संस्करण जो है आयोजित किया गया था, तो इसका दूसरा संस्करण आयोजित किया गया था। कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था? दूसरा। और ये ऑस्ट्रेलिया में कहां पर इसका आयोजन किया गया था, किस देश में? तो दो ही कंडीशन बनेगी, या तो ये भारत में आयोजित किया जाएगा, या तो भारत में आयोजित किया जाएगा, और नहीं तो ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाएगा। तो इसका आयोजन कहां पर किया गया? ऑस्ट्रेलिया का शहर है पर्थ, पर्थ में ही ऑस्ट्रा हिंद युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न का देखते हैं, करते हैं डिस्कशन। अगला प्रश्न देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवेंथ काजिंद युद्धाभ्यास संबंधित है। भारत कजाकिस्तान, भारत बांग्लादेश, भारत एवं मलेशिया, भारत एवं सिंगापुर। काजिंद नाम से ही आप समझ गए होंगे कि ये भारत और कजाकिस्तान के बीच आयोजित किया जाता है। इससे पहले इसको किस नाम से जाना जाता था, इस युद्धाभ्यास को किस नाम से जाना जाता था? प्रबल दोस्ती के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? प्रबल दोस्ती के नाम से इस युद्धाभ्यास को जाना जाता था। और इसका वर्ष 2023 में सातवां एडिशन का आयोजन किया गया, किस देश में किया गया? तो कजाकिस्तान में किया गया। कजाकिस्तान जो कि मध्य एशिया का एक देश है और जिसकी राजधानी है कहां पर? अस्ताना। दुनिया का सबसे बड़ा लैंड लॉक कंट्री है, यानी वो देश जो कि चारों तरफ से दूसरे देश से घिरा है, या लैंड लॉक कंट्री वो कंट्री होती है जिसकी सीमा समुद्र से नहीं लगती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न का जो है करते हैं हम लोग पोस्टमार्टम। वैसे भारत बांग्लादेश के बीच संप्रीति युद्धाभ्यास या बोगो सागर युद्धाभ्यास होता है। भारत और मलेशिया के बीच, हालांकि कुछ समय पहले भारत और मलेशिया के थोड़े से रिश्ते अजीब हुए थे, और हकीकत तो यह है कि मलेशिया हमेशा से पाकिस्तान के साथ रहा है। जब 2019 में जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई गई तो दुनिया में पाकिस्तान के बाद सबसे पहले कोई विरोध किया तो मलेशिया, और उसके बाद जो है दूसरा जो देश था वो था तुर्की। तो काजिंद युद्धाभ्यास का सातवां एडिशन कहां पर आयोजित किया गया था? जी हां, अस्ताना कजाकिस्तान में। और इसे पहले किस नाम से जाना जाता था? प्रबल दोस्ती के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? तो आप कहेंगे इसे प्रबल दोस्ती के नाम से जाना जाता था, और दोनों सेनाओं की जो है आर्मी के द्वारा किया जाने वाला एक युद्धाभ्यास था। अगला प्रश्न देखें, बोगो सागर 2023 युद्धाभ्यास संबंधित है। थोड़ा सा हम तेज चलेंगे क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है, इसलिए थोड़ी हमारी स्पीड ज्यादा रहेगी।
बोगो सागर युद्धाभ्यास 2023 किससे संबंधित है? भारत बांग्लादेश से संबंधित है। और इसका आयोजन कहां पर किया गया, कहां पर? तो आप कहेंगे कि बंगाल की खाड़ी में। चाहे बंगाल की खाड़ी में, और बंगाल की खाड़ी में इसका आयोजन हुआ है तो अब बताने की जरूरत है क्या कि ये इंडियन नेवी और बांग्लादेश नेवी यानी भारतीय नौसेना और बांग्लादेश नौसेना के बीच आयोजित किया जाने वाला युद्धाभ्यास है। नौसेना के सबसे बड़े अधिकारी को एडमिरल के नाम से जाना जाता है और भारत में 4 दिसंबर को नौसेना दिवस यानी इंडियन नेवी डे मनाया जाता है। इस समय भारत के एडमिरल कौन है आप कमेंट करके हमें बताएं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न का करते हैं अवलोकन। वर्ष 2023 में इसका कौन सा आयोजन किया गया था? तो आप कहेंगे कि 4th एडिशन था इसका, 4th संस्करण इसका आयोजित किया गया था। एक बात को जान लें कि पहली बार जो युद्धाभ्यास आयोजित होता है भारत का दूसरे देशों के साथ, परीक्षाओं में उसको पूछे जाने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। अगला प्रश्न देखें। वैसे भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका जो कि क्वाड कंट्री हैं और इनके द्वारा जो युद्धाभ्यास होता है उसको मालाबार के नाम से जानते हैं। किस नाम से? मालाबार युद्धाभ्यास के नाम से जानते हैं, मालाबार युद्धाभ्यास। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि अगर इंडिया का आप ये मैप देखें तो ये वाला जो बेल्ट है जो कि केरल से लगता है, इसी जो है कोस्टल एरिया को मालाबार के नाम से जानते हैं। किस नाम से? मालाबार के नाम से जानते हैं। जबकि ऊपर अगर जो है बढ़ेंगे तो जो कर्नाटक का क्षेत्र है उसे केनरा के नाम से जाना जाता है, और ऊपर चलेंगे तो महाराष्ट्र का जो क्षेत्र है जिसको कि कोंकण तट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कोंकण तट के नाम से जानते हैं। और आगे की तरफ जो है बढ़ेंगे तो ये वाला जो बेल्ट है जिसको कि कच्छ के नाम से जो है जाना जाता है, कच्छ तट के नाम से जाना जाता है। ये वाले बेल्ट को काठियावाड़ तट के नाम से जाना जाता है, काठियावाड़ तट के नाम से जाना जाता है। ये तमिलनाडु वाला बेल्ट जो इधर है इसी को कोरोमंडल के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। हरिमऊ शक्ति अभ्यास 2023 इसका आयोजन किन दो देशों के बीच आयोजित किया जाता है, किन दो देशों के बीच होता है? तो भारत और मलेशिया के बीच इसका आयोजन होता है। भारत और मलेशिया, मलेशिया जिसकी राजधानी, हालांकि कभी इसने पुत्रजया को जो है अपनी राजधानी घोषित किया लेकिन इसकी राजधानी कुआलालंपुर है। कौन सी? कुआलालंपुर। और इसकी करेंसी है, इसकी करेंसी रिंगिट है। कौन सी इसकी करेंसी है? इसकी करेंसी का नाम जो है रिंगिट है। अजलान शाह हॉकी कंपटीशन हमेशा यहीं पर आयोजित किया जाता है। कहां पर? मलेशिया में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न का जो है करते हैं अवलोकन। उससे पहले बता दें कि वर्ष 2023 में इसका आयोजन कहां पर किया गया था? उमरोई में। उमरोई कहां पड़ता है? मेघालय। मेघालय भारत का वह राज्य है जिसकी सीमा भारत के सिर्फ एक ही राज्य से लगती है और वो असम से। बाकी ये बाउंड्री अपनी बांग्लादेश के साथ जो है शेयर करता है। वहीं उमरोई में ये युद्धाभ्यास कौन सा? हरिमऊ युद्धाभ्यास जो है आयोजित किया गया था और दोनों देशों की सेनाओं के बीच आयोजित किया गया, आर्मी के बीच आयोजित किया गया वो युद्धाभ्यास जो पहला एडिशन था। इसके पूछे जाने के चांसेस भी अधिक रहेंगे। जापान जिसके साथ हम लोग वीर गार्जियन युद्धाभ्यास करते हैं, इसके साथ धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास होता है। जापान के साथ जिमैक्स युद्धाभ्यास होता है। क्योंकि आगे ऐसे प्रश्न बनेंगे इसलिए यहां पर बहुत ज्यादा उस पर समय देने की जरूरत नहीं है। सिम्बेक्स युद्धाभ्यास संबंधित है भारत सिंगापुर, भारत मालदीव, भारत मंगोलिया या भारत जापान। सबसे पहले बता दें यह युद्धाभ्यास जो है नौसैनिक युद्धाभ्यास है। कौन सा? नौसेना या कह लें कि नौ सैन्य युद्धाभ्यास है। और इसका आयोजन कहां पर किया गया? जी हां, दक्षिण चीन सागर में यहां पर किया गया है। दक्षिण चीन सागर में इसका आयोजन किया गया। इसका कौन सा एडिशन आयोजित किया गया? तो आप कहेंगे कि कौन सा एडिशन इसका आयोजित किया गया था? जी हां, सातवां इसका संस्करण नहीं, इसका 30वां संस्करण आयोजित किया गया था। 13th संस्करण जो है आयोजित किया गया था। वैसे बोल्ड कुरुक्षेत्र सिंगापुर और भारत के आर्मी के बीच आयोजित किया जाता है। बोल्ड कुरुक्षेत्र सिंगापुर और भारत की आर्मी के बीच जो है आयोजित किया जाता है। मालदीव के साथ
एक्वेरियन युद्धाभ्यास आयोजित किया जाता है। हरिमऊ भारत मंगोलिया के बीच आयोजित किया जाता है। धर्म गार्जियन, वीर गार्जियन, ये युद्धाभ्यास किसके बीच? जापान के बीच आयोजित किया जाता है, भारत जापान के बीच। अगला प्रश्न देखें, मालाबार 2023 मैंने नाम लिया और आ गया। मालाबार 2023 युद्धाभ्यास संबंधित है बहुराष्ट्रीय, भारत जापान ऑस्ट्रेलिया एवं अमेरिका, भारत मंगोलिया, भारत जापान, भारत और मालदीव। अभी मैंने इस पर चर्चा भी किया था कि केरल से लगने वाला जो समुद्र तटीय क्षेत्र है उसी को मालाबार तट के नाम से जाना जाता है, और समुद्र के रास्ते यूरोप के लोगों का भारत में आना भी सबसे पहले हुआ था तो अरब सागर में मालाबार तट पर। कभी पढ़ाया तो आपको बताया कि वास्को डी गामा पहला ऐसा जो है यूरोपियन व्यक्ति था, पोर्चुगल पुर्तगाल का रहने वाला था, जो कि समुद्र के रास्ते मालाबार में आया था, यानी कोच्चि तट पर आया था। कप्पक डापू के जो है बंदरगाह पर आया, और मालाबार का आयोजन हालांकि यूरोपियन कंट्रीज के साथ नहीं, भारत जापान और ऑस्ट्रेलिया, जिनको ऑस्ट्रेलिया अमेरिका, जिनको क्वाड कंट्री के नाम से जाना जाता है, इनके बीच आयोजित किया गया। वर्ष 2022 में इसका आयोजन जो है भारत में किया गया था, लेकिन वर्ष 2023 में इसका आयोजन कहां पर? सिडनी में। कहां पर? सिडनी, यानी किस देश में? ऑस्ट्रेलिया में इसका आयोजन किया गया। तो दिए हुए प्रश्न का पहला विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नोमैडिक एलिफेंट युद्धाभ्यास 2023 संबंधित है भारत मंगोलिया, भारत जापान, भारत मालदीव, भारत सऊदी अरब। नोमैडिक एलिफेंट युद्धाभ्यास किससे संबंधित है? तो नोमैडिक युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया था कहां पर? उलान बटोर में। उलान बटोर में इसका 15वां जो है आयोजन किया गया। तो अब बताने की जरूरत है कि कौन सा विकल्प सही होगा। पहला विकल्प सही होगा, मंगोलिया, जो कि चाइना के साथ अपनी सीमा साझा करता है, और मंगोलिया और चीन के बीच ही दुनिया की सबसे ऊंची दीवार बनाई गई है, जिसे वॉल ऑफ चाइना या चाइना चीन की दीवार कहा जाता है। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न का पहला विकल्प सही होगा, यानी नोमैडिक एलिफेंट का आयोजन किन दो देशों के बीच किया जाता है? आप कहेंगे कि जी भारतीय सेना और मंगोलिया की सेना के बीच इसका आयोजन किया जाता है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर, अगले प्रश्न का करते हैं अवलोकन। अगला क्वेश्चन देखें, जीमैक्स युद्धाभ्यास 2023 संबंधित है भारत मालदीव, भारत सऊदी अरब, भारत जापान, भारत मंगोलिया। तो यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप दिक्कत तब होगी जब प्रश्न में जो है आपको देगा ऐसे, भारत जर्मनी, भारत जापान, भारत जापान, इस तरह से जो है लिख करके जो है देगा, तो वहां पर दिक्कत होगी। क्योंकि इसलिए आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहे, बस यही जो है आपके दिमाग में क्लिक करें अभी, क्या जीमैक्स युद्धाभ्यास भारत और जापान के बीच आयोजित किया जाता है, और इसका जो 7वां एडिशन हुआ वो कहां पर? विशाखापत्तनम में। कहां? विशाखापत्तनम, यानी आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में। तो अब या तो पूछेगा क्षेत्र का नाम, या नहीं तो पूछेगा कि ये जो इंडियन नेवी एक्सरसाइज थी ये कहां पर आयोजित की गई। तो जाहिर सी बात है, अगर विशाखापत्तनम में इसका आयोजन हुआ है तो कहां पर? बे आप बंगाल में। कहां पर? बे आप बंगाल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, अगले प्रश्न का करते हैं हम लोग अवलोकन, अगले प्रश्न को देखते हैं, एक्वेरियन युद्धाभ्यास 2023 संबंधित है भारत इंडोनेशिया, भारत मालदीव, भारत सऊदी अरब, भारत यूनाइटेड किंगडम, या इनमें से कोई नहीं। एक्वेरियन युद्धाभ्यास उस देश के साथ आयोजित किया जाता है जो कि एशिया का सबसे छोटा देश है, उस देश के साथ आयोजित किया जाता है जिसकी राजधानी माले है, उस देश के साथ आयोजित किया जाता है जिसकी पार्लियामेंट को मजलिस के नाम से जानते हैं, उस देश के साथ आयोजित किया जाता है जिसकी करेंसी रुपया है, या उस देश के साथ आयोजित किया जाता है जो कि भारत और जो लक्षद्वीप और मालदीव के बीच 8 डिग्री से एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं। तो अब बताने के लिए कुछ इसमें रह ही नहीं गया कि दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा। जी हां, दिए हुए प्रश्न का दूसरा विकल्प सही होगा।
कौन सा विकल्प सही होगा? दूसरा विकल्प सही होगा। और इसका कौन सा एडिशन, कौन सा संस्करण आयोजित किया गया 2023 में? तो आप कहेंगे कि इसका 12वां संस्करण जो है आयोजित किया गया है। कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? 12वां संस्करण आयोजित किया गया इन दोनों सेनाओं की, आर्मी, आर्मी बोले तो थल सेना के बीच आयोजित किया गया। और भारत में या तो आयोजन होगा और नहीं तो मालदीव में। यहां यूके का मतलब यूनाइटेड किंगडम नहीं है, उत्तराखंड है। तो इसका आयोजन कहां पर हुआ? उत्तराखंड में इसको आयोजित किया गया था। वाह, यहां नीचे लिखा भी है चौबटिया, चौबटिया। कौन सा एडिशन था? 12th, 12वां एडिशन था। आगे बढ़े हम लोग, अगले प्रश्न को देखें। अल मुहेद अल हिंदी युद्धाभ्यास संबंधित है। अब तो यहां कुछ नहीं करना है, आप तो बस आंख बंद करके आप कहेंगे कि भारत और सऊदी अरब के बीच। लेकिन दिक्कत तब होती जब ऑप्शन में भारत और संयुक्त अरब अमीरात देता, जब ऑप्शन में जो है भारत और ओमान देता, तब वहां पर जो है दिक्कत होती। लेकिन अल मुहम्मद अल हिंदी, जिसको अरबी भाषा में अल मोहेद अल हिंदी के नाम से जाना जाता है, और यह युद्धाभ्यास भारत और सऊदी अरब की नौसेनाओं के बीच आयोजित किया जाता है। यह दूसरा युद्धाभ्यास है, दूसरा युद्धाभ्यास है जो कि लिखा तो है नौसैनिक युद्धाभ्यास है। अल जुबैल नामक स्थान पर सऊदी अरब में इसका आयोजन किया जाएगा। यह सेकंड इसका एडिशन होगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। इसी तरह समुद्र शक्ति अगर जो है पूछे तो इंडोनेशिया और भारत की नौसेनाओं के बीच जो युद्धाभ्यास होता है उसको समुद्र शक्ति के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? समुद्र शक्ति के नाम से जाना जाता है। भारत और यूनाइटेड किंगडम की जो नौसेना के साथ युद्ध होता है, रॉयल नेवी के साथ युद्धाभ्यास होता है, उसको कोंकण के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? कोंकण वार एक्सरसाइज, कोंकण वार एक्सरसाइज। आगे आएगा तो मैं पढ़ाऊंगा। ये जितने भी युद्धाभ्यास होते हैं, इस युद्धाभ्यास के, वार एक्सरसाइज के जो मेन रीजन होता है वो क्या? विभिन्न देशों के द्वारा अपने वेपन्स पावर को, अपनी वेपन्स टेक्नोलॉजी को दूसरे देशों के सामने प्रदर्शित किया जाता है, इस उम्मीद के साथ कि एक दोनों देशों के साथ जो है रिलेशन बेहतर होगा। और दूसरी बात ये कि उनके द्वारा डेवलप किए गए जो है हथियार हैं, दूसरे देशों के द्वारा उसको परचेस किया जाएगा, खरीदा जाएगा। वरना हकीकत तो ये है कि जिसके साथ वाकई युद्धाभ्यास होता है, जिसके साथ युद्धाभ्यास होता है अमूमन उसके साथ युद्ध नहीं होता, और जिसके साथ युद्ध होता है उसके साथ युद्धाभ्यास नहीं होता। जैसे भारत और चाइना के बीच युद्धाभ्यास होता था, कौन सा? हैंड इन हैंड, हैंड इन हैंड, हिंदी में भी वही रहेगा। अब ये मत कहना कि हाथों में हाथ, ना। और इसका आयोजन वर्ष 2019 में हुआ था। उसके बाद से फिर इसको इसलिए नहीं आयोजित किया गया कि इन दोनों देशों के जो है रिश्ते इतने बेहतरीन हो गए कि फिर हैंड इन हैंड युद्धाभ्यास का आयोजन नहीं होता है। क्योंकि चाइना से मामला हम लोगों का हमेशा ठना रहता है, इसलिए हैंड इन हैंड वॉर एक्सरसाइज हो सकता है कि पूछ ले। और जब भी पूछेगा इसको तो ये पूछेगा कि हैंड इन हैंड वॉर एक्सरसाइज किन दो देशों के बीच आयोजित किया जाता है? तो भारत और चाइना के बीच, और पाकिस्तान के साथ तो बिल्कुल रियल होता है, उसके साथ तो कोई वार एक्सरसाइज का कोई बात ही नहीं है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न का करते हैं अवलोकन। समुद्र शक्ति युद्धाभ्यास 2023 किससे संबंधित है? भारत इंडोनेशिया, भारत यूनाइटेड किंगडम, भारत एवं अमेरिका, भारत एवं श्रीलंका। समुद्र शक्ति युद्धाभ्यास जिसका 4th एडिशन दक्षिण चीन सागर में आयोजित किया गया। दक्षिण चीन सागर को चाइना अपने बाप की बबौती कहता है, और यही वजह है कि दक्षिण चीन सागर से साउथ चाइना सी से लगने वाले जितने भी जो है कंट्रीज हैं उनके साथ चीन के रिश्ते सामान्य और असामान्य। और ऐसे दुनिया में सबसे अधिक बाउंड्री शेयर करता है दूसरे देशों के साथ कोई देश तो चाइना, 17 देशों के साथ, और उसकी बनती है सिर्फ तो पाकिस्तान से, क्योंकि दोनों की विचारधारा मिलती है, और उधर उत्तर कोरिया से। उसके अलावा उसका किसी भी देश से बहुत अच्छा रिलेशन नहीं है। बहरहाल दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न का दूसरा, ना, पहला विकल्प सही होगा।
भारत इंडोनेशिया के बीच समुद्र शक्ति युद्धाभ्यास का आयोजन किया जाता है। और आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि समुद्र शक्ति युद्धाभ्यास जो कि वर्ष 2023 में आयोजित किया गया था, उसका ये चौथा एडिशन था। इंडोनेशिया जिसकी राजधानी जकार्ता, लेकिन ध्यान रखेंगे अब इसकी राजधानी जकार्ता नहीं है, जकार्ता जावा द्वीप पर स्थित था, अब इसकी राजधानी को बनाया गया है क्या नूशंतारा, क्या नूशंतारा। और जो नूशंतारा इसकी कैपिटल है, नूशंतारा इसकी जो कैपिटल है ये कहां पर है, तो ये बोर्नियो आइलैंड पर है। किस पर है, बोर्नियो आइलैंड पर है। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा, पहला विकल्प सही होगा इंडोनेशिया जिसकी राजधानी अब नूशंतारा, याद रखेंगे। और इसकी करेंसी भी रुपया है। दुनिया में सबसे अधिक अगर जो है मुस्लिम आबादी कहीं पर है तो इंडोनेशिया में है, लेकिन मजे की बात यह है कि इंडोनेशिया बेहद शांतिमय देश है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और हम लोग अगले प्रश्न का करते हैं अवलोकन। गरुण शक्ति इंडोनेशिया के साथ ही आयोजित किया जाता है, आगे आएगा अभी। अजय वारियर 2023 युद्धाभ्यास संबंधित है, यूनाइटेड किंगडम, भारत एवं श्रीलंका, भारत एवं अमेरिका या बहुपक्षीय। यूनाइटेड किंगडम के साथ हालांकि हम लोगों ने कभी रियल युद्धाभ्यास भी किया था, लेकिन अब जो है सिर्फ वार एक्सरसाइज किया जाता है। किसके साथ, तो ब्रिटेन के साथ। और इसके साथ जो वार एक्सरसाइज होता है इंडियन आर्मी और ब्रिटिश आर्मी के साथ, उसे अजय वारियर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, अजय वारियर से। और कहें कि इन दोनों सेनाओं की जो एयरफोर्स जब युद्धाभ्यास करती है तो उसको इंद्रधनुष के नाम से जानते हैं। किस नाम से, इंद्रधनुष के नाम से। जब इनकी जल सेना वार एक्सरसाइज करती है तो उसी को किस नाम से जानते हैं, इसको कोंकण युद्धाभ्यास अभी बताया था, कोंकण युद्धाभ्यास के नाम से जो है जाना जाता है। और जब इसकी थल सेना, इसकी मतलब भारत और यूनाइटेड किंगडम की करती है, उसे अजय वारियर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, अजय वारियर के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर, अगले प्रश्न का जो है करते हैं अवलोकन। उससे पहले ये ध्यान रखेंगे, अगर जो है आपसे पूछेगा इंद्र युद्धाभ्यास तो ध्यान रखेंगे, इंद्र युद्धाभ्यास जो होता है भारत और रूस के साथ होता है, भारत और रशिया के साथ जो है आयोजित किया जाता है, लेकिन इंद्रधनुष भारत और ब्रिटेन के साथ आयोजित किया जाता है। अभी रूस जो कि भारत का परम मित्र है और उसने पाकिस्तान के साथ युद्धाभ्यास किया, उस वार एक्सरसाइज का क्या नाम था, आप कमेंट करके मुझको बताना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, उससे पहले बता दें इसका 7th एडिशन जो है यूनाइटेड किंगडम में सेलिसबरी में आयोजित किया जाएगा। और यहां पर भारत की जो रेजिमेंट हिस्सा लेगी उस रेजिमेंट का नाम है क्या, बिहार रेजिमेंट। कौन सी, बिहार रेजिमेंट भारत की तरफ से रहे पार्टिसिपेट किया और ब्रिटेन की तरफ से पार्टिसिपेट किया था वहां की रॉयल गोरखा रेजिमेंट ने। तो बढ़ा जाए आगे की तरफ और देखते हैं अगले प्रश्न का क्या मिजाज है। कोप इंडिया 2023 युद्धाभ्यास संबंधित है, भारत अमेरिका, भारत यूनाइटेड किंगडम, भारत इंडोनेशिया, भारत सऊदी अरब। कोप इंडिया 2023 ये एयरफोर्स एक्सरसाइज है। कौन सी है, एयरफोर्स एक्सरसाइज है किन दो देशों के बीच, तो आप कहिए कि इंडिया और यूएसए के बीच, किन दो देशों के बीच, भारत और अमेरिका के बीच। और इसका आयोजन किया गया कौन सा, 2023 में इसका 6th एडिशन आयोजित किया गया आगरा में, पानागढ़ में, कलाई कुंडा में, जो अलग अलग जो है हम लोगों के एयरफोर्स बेस हैं, एयरफोर्स स्टेशन है, वहां पर अमेरिकी सेना के साथ ये युद्धाभ्यास किया गया था। यहां नीचे लिखा गया है, बस आप जान लीजिएगा, जब अमेरिका के राष्ट्रपति महोदय थे कौन, डोनाल्ड ट्रंप और भारत में आए भी थे कोरोना से जस्ट पहले, वही लेके आए थे।
जब वो रहे तो उनके समय में 2019 में युद्धाभ्यास आयोजित किया गया था भारत और अमेरिका के बीच, तो उसका नाम था टाइगर ट्रंप। क्या नाम था? टाइगर ट्रंप युद्धाभ्यास का नाम दिया गया। लेकिन जैसे ही वहां पर उसकी यानी किसकी, डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट चली गई, ये युद्धाभ्यास का काम भी खत्म हो गया। वर्ष 2019 में जो है आयोजित किया गया था वज्रपहार, इन दोनों देशों की जो है थल सेनाओं के बीच यानी आर्मी के बीच आयोजित किया गया युद्धाभ्यास था। कौन सा? वज्रप्रहार। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न का करते हैं अवलोकन। उससे पहले मैं बता दूं कि टाइगर ट्रंप विशाखापत्तनम में आयोजित किया गया था। कहां पर? विशाखापत्तनम में। लेकिन यह पूछेगा नहीं आपसे, बस ये पूछेगा कि ये किन दो देशों के साथ आयोजित किया जाता था। शायद रेलवे का कोई पेपर था तो 2020 के बाद तो उसमें पूछा भी था इस क्वेश्चन को। वज्रप्रहार भारत और अमेरिका की सेना के बीच जो है किया जाता है, और 2022 में इसका आयोजन कहाँ किया गया था? बकलोह शब्द है, और ये कहाँ पर है जगह? आप कहेंगे हिमाचल प्रदेश में। कहां पर इसका आयोजन किया गया था? जी हां, हिमाचल प्रदेश में इसका आयोजन किया गया था। तर्कस याद रखना, तर्कस बड़ा ही कर्कश है युद्धाभ्यास, और इसका आयोजन भी 2023 में किया गया। कहां पर? तो चेन्नई में किया गया। भारत और अमेरिका के कमांडोज के बीच ये युद्धाभ्यास आयोजित किया गया था। भारत और अमेरिका के कमांडोज के बीच ये युद्धाभ्यास आयोजित किया गया, और वर्ष 2023 का ये छठा एडिशन रहा था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को देखिए। श्री नेक्स 2023 युद्धाभ्यास संबंधित है भारत एवं मलेशिया, भारत और मंगोलिया, भारत और श्रीलंका, भारत जापान। नाम ही ऐसे दिए हैं कि आप भी बता देंगे कि दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा। दिए हुए प्रश्न का तीसरा विकल्प सही होगा। बस आपका ये रिवीजन के लिए ये सेशन को जो है रखा गया है, ताकि आप इन्हें रिवाइज कर लें, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बार इसको जो है जरूर पढ़े होंगे, नहीं भी पढ़े होंगे तो बस 2023 के जो ये वार एक्सरसाइज आयोजित हुई है उनको बस देख लीजिए, मोर देन एनफ होगा आपके एग्जाम्स के लिए। भारत और श्रीलंका के बीच ये युद्धाभ्यास का 10वां संस्करण, और कहां पर आयोजित किया गया? कोलंबो में आयोजित किया गया। भारत, आप इंडिया का मैप देखें तो जो है इंडिया का मैप खरीदिए तो बेचारा फ्री में आ जाता है। और भारत तथा किसके बीच? श्रीलंका के बीच जो कनेक्टिंग बॉडी है, इधर मन्नार की खाड़ी है और इधर जो है पाक स्ट्रेट, जो कि बहुत पूछता है किन दो देशों के बीच है, और जब भी पूछता है तो हमेशा ऑप्शन में जो है पाकिस्तान को चिपका देता है। तो हम लोग पाक और पाकिस्तान, पाक पाकिस्तान में मामला बिगड़ जाता है, जबकि पाक स्ट्रेट जो है भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। श्रीलंका जिसे आंसू का बूंद कहा जाता है, श्रीलंका जिसे पूर्व का मोती कहा जाता है, श्रीलंका जिसकी राजधानी कहां, इसकी राजधानी पहले थी कोलंबो, अब है जयवर्धनेपुरम कोट्टी, अब इसकी राजधानी है। श्रीलंका भी अपनी करेंसी रुपया के रूप में इस्तेमाल करता है, यानी यहां की करेंसी क्या है? रुपया है। और आर्थिक रूप से ये देश पिछले कुछ दिनों से बहुत तरक्की कर रहा है, ये तो आप लोग भी जानते हैं। बहरहाल दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है? तीसरा विकल्प सही है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले बता दें कि भारत, श्रीलंका और मालदीव, अगर जो यहीं पर शब्द जुड़ जाता तो इसके साथ जो हम लोग युद्धाभ्यास करते हैं उसका नाम है दोस्ती। क्या नाम है? दोस्ती। बहरहाल अभी जो मैं बता रहा हूं वो सिलिनेक्स के लिए बता रहा हूं कि क्योंकि 2023 में यही आयोजित किया गया था। आगे बढ़िए। कोबरा वॉरियर युद्धाभ्यास संबंधित है कोबरा वॉरियर युद्धाभ्यास संबंधित है मालदीव, नेपाल, भारत, मलेशिया या बहुपक्षीय। इस युद्धाभ्यास का आयोजन आपको बता दें कि ब्रिटेन के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? ब्रिटेन रॉयल एयरफोर्स के द्वारा किया जाता है। और कोबरा वॉरियर का आयोजन जाहिर सी बात है तब कहां हुआ होगा, तो ब्रिटेन में, यूनाइटेड किंगडम में ही
वह होगा। ये मल्टीलेटरल वॉर एक्सरसाइज है जिसमें मोर देन वन कंट्रीज जो है पार्टिसिपेट करती हैं। भारत ने भी जो है इसमें पार्टिसिपेट किया और इसलिए ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। वेलिंगटन एयरबेस वहाँ पर है, कहाँ पर? ब्रिटेन में, वहीं पर ये वॉर एक्सरसाइज जो है आयोजित की गई थी। किसके किसके बीच? तो आप कहेंगे कि कोबरा वॉरियर का जो है आयोजन ब्रिटेन सहित विभिन्न देशों की वायु सेनाओं के बीच आयोजित हुआ, जिसमें भारत ने भी पार्टिसिपेट किया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका जैसे देशों ने भी हिस्सा लिया था। और जब दुनिया में यूक्रेन और रशिया के द्वारा पिछले 2 बरस से सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा है, उधर इसराइल और हमास के बीच मामला छिड़ा हुआ है, तो ऐसे समय में इन युद्धाभ्यासों का बड़े जो है मतलब निकाले जाते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न का हम लोग करेंगे अवलोकन। बस याद रखना, कोबरा जो है वॉरियर युद्धाभ्यास कहां पर आयोजित किया गया? तो आप कहेंगे कि कहां पर? ब्रिटेन में इसका आयोजन किया गया। वरना इन शब्दों के साथ, ब्रिटेन के साथ मैंने बताया कि हम लोग जो नेवी एक्सरसाइज करते हैं वो कोंकड़ के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? कोंकड़ के नाम से जाना जाता है, कोंकड़ के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ब्रिटेन जिसकी राजधानी जो है लंदन टेम्स नदी के तट पर है और पाउंड स्टर्लिंग यहाँ की करेंसी है, और जिस ब्रिटेन ने वर्षों तक हिंदुस्तान पर राज किया, वहाँ पर एक भारत वंशीय व्यक्ति राज कर रहा है, वहाँ शासन कर रहा है, हम भारतीयों के लिए ये गौरव की बात है। अगला प्रश्न, अभ्यास कोंकड़। अरे यार, अभी तो नाम लिए। अभ्यास कोंकड़ 2023 युद्धाभ्यास संबंधित है। बहुपक्षीय, भारतीय नौसेना एवं रॉयल नेवी, ब्रिटेन, भारत एवं श्रीलंका, भारत और यूनाइटेड किंगडम। तो यूनाइटेड किंगडम, भारत और यूनाइटेड किंगडम से ही संबंधित है। अगर सेकंड ऑप्शन नहीं रहता तो जो है फोर्थ ऑप्शन जो है सही था, लेकिन चूंकि क्लियर कट यहां पर लिखा है क्या, इंडियन नेवी एंड रॉयल नेवी ऑफ ब्रिटेन, इंडियन नेवी एंड रॉयल नेवी ऑफ ब्रिटेन के बीच इस युद्धाभ्यास का आयोजन किया जाता है। और पिछले दिनों इसका आयोजन अरब सागर के तट पर किया गया था। जाहिर सी बात है, कोंकण तट ये वाला बेल्ट होता है, मैंने बताया कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक, या यूँ कह लो कि महाराष्ट्र और गोवा वाला जो तट होता है वही कोंकण के नाम से। तो यहाँ पर जब युद्धाभ्यास होगा तो जाहिर सी बात है अरेबियन सी में ये युद्धाभ्यास होगा, जिसको कभी पारावात सागर के नाम से जो है या जाना जाता था। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न को, देखते हैं। डेजर्ट फ्लैग युद्धाभ्यास 2023 संबंधित है। बहुपक्षीय, भारत एवं फ्रांस, भारतीय सेना एवं सिंगापुर सेना, भारतीय नौसेना। तो डेजर्ट फ्लैग नाम से ही जो है लग रहा है कि इसका आयोजन कहीं ना कहीं जो है गल्फ कंट्रीज में होता होगा। और यह एक मल्टीलेटरल जो है वॉर एक्सरसाइज है, जिसका आयोजन किस देश के द्वारा किया जाता है? यूएई के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? यूएई के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। और डेजर्ट फ्लैग का 8वां संस्करण जो है कहां पर आयोजित किया गया? तो आप कहेंगे संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया गया। कहां पर? संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया गया। ये कौन सा युद्ध? इन दोनों देशों के या जितने भी देश यहां उपस्थित हुए उनकी वायु सेनाओं के बीच जो है युद्धाभ्यास आयोजित किया गया, जहां भारतीय एयरफोर्स का ग्लोब मास्टर तेजस जैसे विमानों ने भी अपने शौर्य का प्रदर्शन किया। संयुक्त अरब अमीरात, जिसकी राजधानी दुबई है, और उसी के तत्वावधान में डेजर्ट फ्लैग का आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न, कटलेक्स एक्सप्रेस 2023 युद्धाभ्यास किससे संबंधित है? इसे इंटरनेशनल मैरिटाइम एक्सरसाइज या फिर अंतर्राष्ट्रीय नौसेना युद्धाभ्यास के नाम से जाना जाता है, और इसमें मोर देन वन कंट्रीज जो है पार्टिसिपेट करती हैं, और इसका आयोजन
कहां पर किया गया? तो आप कहेंगे इसका आयोजन कहां पर किया गया? तो इसका आयोजन किया गया, जी हां, गल्फ कंट्रीज में। और ये फरवरी से मार्च के महीने में आयोजित किया जाने वाला युद्धाभ्यास था। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प जो है सही होगा? जी हां, पहला विकल्प सही होगा, पहला विकल्प 100% सही होगा। ये एक नौसैनिक युद्धाभ्यास है। आगे देखें, बोल्ड कुरुक्षेत्र 2023 युद्धाभ्यास संबंधित है। भारतीय सेना और सिंगापुर सेना, अभी तो मैंने बताया था पीछे, भारतीय सेना और सिंगापुर की जो है आर्मी के बीच ये युद्धाभ्यास आयोजित किया जाता है। और अभी वर्ष 2023 में इसका आयोजन कहां पर किया गया? तो आप कहेंगे कि जोधपुर में इसका आयोजन किया गया। कहां पर? जोधपुर में, लिखा तो है नीचे। और ये 13वां एडिशन था। कौन था? 13th एडिशन था। अग्नि वारियर युद्धाभ्यास, अजय वारियर हम लोग करते हैं ब्रिटेन के साथ, लेकिन अग्नि वारियर युद्धाभ्यास किसके साथ करते हैं? जी हां, भारतीय सेना और सिंगापुर की सेना के बीच होता है। लेकिन यहां प्रश्न के अनुसार कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न का कौन सा पहला विकल्प 100% सही होगा? 13th संस्करण, 13वां संस्करण इसका जो है आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न देखें, ला पेरोश 2023 युद्धाभ्यास संबंधित है। बहुपक्षीय, भारतीय सेना, सिंगापुर सेना, भारत एवं जापान, भारत एवं फ्रांस। भारत और फ्रांस तो इसमें पार्टिसिपेट किया था। फ्रांस के ही देखरेख में इसका जो है आयोजन किया जाता है, फ्रांस के ही देखरेख में इसका आयोजन किया जाता है। हिंद महासागर में इसका आयोजन किया गया, इंडियन ओशियन में इसका आयोजन किया गया। और जाहिर सी बात है, हिंद महासागर में इसका आयोजन किया गया। तो ये किस तरह का युद्धाभ्यास है? नौसैनिक युद्धाभ्यास है। कौन सा? नौसैनिक युद्धाभ्यास। अभी हम लोगों ने 75th रिपब्लिक डे, 75वां गणतंत्र दिवस जो है मनाया, तो इसी देश के राष्ट्रपति महोदय कौन, भारत के चीफ गेस्ट के रूप में आए हुए थे, मुख्य अतिथि के रूप में आए हुए थे। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प जो है सही होगा? दिए हुए प्रश्न का पहला विकल्प सही होगा। कौन सा विकल्प सही होगा? पहला विकल्प जो है सही होगा, हिंद महासागर में इसका आयोजन किया गया। प्रति दूसरे वर्ष आयोजित किया जाने वाला ये नौसैनिक युद्धाभ्यास है, जिसमें भारतीय नौसेना का INS सहाद्री ने भी पार्टिसिपेट किया था। अगला प्रश्न देखें, फ्रिजेट्स 2023 युद्धाभ्यास संबंधित है। नाम ही ऐसा है कि आप बता देंगे कि भारत और फ्रांस है, लेकिन परीक्षा में जब ये एग्जाम में पूछेगा तो भारत और ऐसे लिखेगा, इंडिया एंड फ्रांस, इंडिया एंड फिलिस्टाइन, इंडिया एंड, तो इस तरह से जो है नाम देगा। तो इसको लेकर के थोड़ा सा आप सतर्क रहेंगे। भारत और फ्रांस के बीच इसका युद्धाभ्यास, और पहली बार इसका युद्धाभ्यास हुआ कहां पर? तिरुवंतपुरम में हुआ था, तिरुवंतपुरम में, केरल में इसका युद्धाभ्यास किया गया। और चूंकि ये पहली बार युद्धाभ्यास है, इसीलिए इसके पूछे जाने के जो है चांसेज भी जबरदस्त होगा। एक आर्मी एक्सरसाइज है, यानी दोनों देशों के देश, दोनों देश की थल सेनाओं ने इसमें पार्टिसिपेट किया। पेरिस फ्रांस की राजधानी है, जो कि सीन नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर स्थित है? सीन नदी के तट पर स्थित है। और इस देश को सुरसुरा सुंदरियों का देश कहा जाता है। फ्रिजेक्स युद्धाभ्यास यहीं पर आयोजित किया जाता है। किसके किसके बीच? भारत और फ्रांस की आर्मी के बीच आयोजित किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न को और करते हैं अगले प्रश्न का अवलोकन हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, धर्म गार्जियन, नाम तो मैंने लिया था, धर्म गार्जियन, वीर गार्जियन, ये वाला तो पहली बार आयोजित हुआ है 2023 में, फर्स्ट टाइम। और इसको कैसे याद रखेंगे? भारत और जो है जापान के बीच इसका आयोजन किया जाता है। किसके? भारत और जापान के बीच आयोजित किया जाता है। वह से वायु वह से वीर, तो जाहिर सी बात है वीर गार्जियन किसके बीच आयोजित होगा? तो जापान और भारत की वायु सेनाओं के बीच, यानी एयरफोर्स के बीच आयोजन किया जाएगा। इंडियन एयरफोर्स डे जो कि 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, इंडियन नेवी डे जो कि 4th दिसंबर को, और इंडियन आर्मी डे जो कि 15th जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। तो गार्जियन, धर्म गार्जियन 2023 युद्धाभ्यास का आयोजन
किन दो देशों के बीच किया गया? जी हाँ, भारत और जापान के बीच किया गया। इसका कौन सा एडिशन था? तो ये कहेंगे कि ये फोर्थ एडिशन था। कौन सा? ओहो, दिया तो भी तो है नीचे, फोर्थ एडिशन, जो कि भारत और जापान के बीच आयोजित किया गया। और इसका आयोजन भी कहां पर किया गया? तो इसका आयोजन किया गया जापान के शहर में आयोजित किया गया है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न का जो है करते हैं अवलोकन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न, सिन्यू मैत्री 2023 युद्धाभ्यास संबंधित है। भारत जापान, भारत नेपाल, भारत मंगोलिया, भारत और जापान के बीच होता है। किसके साथ? भारत और जापान के साथ। भारत और जापान के बीच इसका आयोजन किया जाता है। और सिन्यू ये मैत्री युद्धाभ्यास 2023 ये वायु सैन्य अभ्यास है, यानी दोनों देशों की जो है सैन्य, दोनों देशों की वायु सेनाओं के बीच ये आयोजन किया जाता है। मजे की बात ये थी कि जो धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास था, जो कि मैंने अभी पीछे बताया था, इसी के साथ जो है आयोजित किया गया था। यानी सैन्यू मैत्री और धर्म गार्जियन दोनों एक साथ आयोजित किए गए। धर्म गार्जियन जो कि ध से धरती ध से धर्म, यानी धर्म गार्जियन धरती पर वाली सेना यानी थल सेना के बीच, व से वायु, व से वीर, तो वीर गार्जियन जाहिर सी बात है किसके साथ? जी हां, जापान के साथ वायु सेनाओं के बीच युद्धाभ्यास है। अगले प्रश्न को देखें। जापान जिसकी राजधानी जो है टोक्यो है और एन जहां की करेंसी है। जापान जिसे कभी निप्पन कंट्री के नाम से भी जाना जाता था। अगला प्रश्न, ट्रोपेक्स 2023 युद्धाभ्यास संबंधित है। भारतीय सेना और सिंगापुर सेना, भारत जापान, भारत भारतीय नौसेना या भारत मालदीव, ट्रोपेक्स युद्धाभ्यास किससे संबंधित है? जी हाँ, भारतीय नौसेना के तत्वावधान में आयोजित किया जाने वाला ये युद्धाभ्यास है और यह सबसे बड़ा युद्धाभ्यास है, जो कि नवंबर 2023 से लेकर के मार्च 2023 के बीच इसका आयोजन किया गया। और विभिन्न देशों की जो है नौसेनाओं ने हिंद महासागर में इसमें पार्टिसिपेट किया, जिसे ट्रोपेक्स 2023 के नाम से जाना गया। जी नहीं, ये एक बार फिर जो है इसे सुन लेंगे। जो ट्रोपेक्स युद्धाभ्यास है, ट्रोपेक्स युद्धाभ्यास भारतीय नौसेना का ये युद्धाभ्यास है और हिंद महासागर में इसका आयोजन नवंबर से जो है मार्च के बीच में किया गया था। दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? तीसरा विकल्प सही होगा। आगे देखें, अभ्यास डस्ट लीक या इसी को कहीं कहीं लिखा होगा वार एक्सरसाइज डस्ट लीक, बात वही है, न जाने क्यों इसका नाम ऐसे रखे हैं सब। 2023 किन दो देशों के बीच आयोजित किया जाता है? उस देश के बीच आयोजित किया जाता है जिसे कि अब उज्बेकिस्तान के नाम से जाना जाता है, जो कभी सोवियत संघ का हिस्सा था और सोवियत संघ से टूट करके उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान जैसे कुल विभिन्न देशों का जो है उदय हुआ। और अभ्यास डस्ट लीग 2023 भारत और उज्बेकिस्तान के बीच आयोजित किया गया। इसका कौन सा एडिशन आयोजित किया गया? तो फोर्थ एडिशन। कहां पर आयोजित किया गया? पिथौरागढ़ में। कहां पर? पिथौरागढ़। और यह कहां पड़ता है? उत्तराखंड में। कहां पर? उत्तराखंड में इसका आयोजन हुआ है। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न, वीर गार्जियन, अभी तो इसके बारे में बता दिया कि हयाकुरी एयरबेस पर यह पहली बार आयोजित किया गया है 2023 में। कौन? वीर गार्जियन युद्धाभ्यास, इसको इंपॉर्टेंट लिख लेंगे, इसके प्रश्न के बनने की जो है चांसेस ज्यादा रहेंगे। भारत और जापान के बीच, भारत और जापान, जी नहीं, एक विकल्प को कर लेंगे, दोनों विकल्प सेम है जिन्होंने लिख दिया है। अब दिए हुए प्रश्न का जो है कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न का तीसरा विकल्प सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगले प्रश्न का जो है हम लोग करते हैं अवलोकन। देखिए उससे पहले मैं बता दूं कि भारत और जापान के बीच, भारत और जापान के बीच काकुडो नामक युद्धाभ्यास भी आयोजित किया जाता है, लेकिन जिनको पूछे जाने के चांसेज हैं उन्हीं को जो है मेंशन यहाँ किया गया है, क्योंकि जो विगत वर्ष में आयोजित हुए हैं परीक्षा में उन्हीं के पूछे जाने के चांसेज हैं, वरना जितने युद्धाभ्यास हैं अगर मैं सबको इसमें मेंशन किया होता तो करीब वो संख्या जो है लगभग 250 से ऊपर पहुँचती। अभ्यास एम्फेक्स भारतीय थल सेना, जल सेना, वायु सेना तीनों के द्वारा आयोजित किया जाता है, और इसका आयोजन कहां पर किया गया? अंडमान निकोबार में किया गया। क्या? अंडमान निकोबार में किया गया। अंडमान निकोबार जिसकी राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर है। राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर है। और ये भारत का वो राज्य है जिसकी जो है समुद्री सीमा कितने किलोमीटर है सबसे अधिक जो है लगती है। राज्य नहीं है ये, केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी जो है सीमा समुद्र से 1962 किलोमीटर लगती है सबसे अधिक, और वहीं पर भारतीय जल थल और वायु तीनों सेनाओं का जो है युद्धाभ्यास हुआ जिसे एम्फेक्स के नाम से जाना गया। किस नाम से जो है जाना गया? जी हाँ, एम्फेक्स के नाम से इसे जो है जाना गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, अगले प्रश्न का करते हैं हम लोग अवलोकन। अगला प्रश्न देखें, भारतीय जल सेना का सबसे बड़ा जो अधिकारी होता है उसे एडमिरल कहते हैं, वायु सेना का सबसे बड़ा जो अधिकारी होता है उसे एयर चीफ मार्शल कहते हैं, और जबकि थल सेना का जो बड़ा अधिकारी होता है उसको मेजर जनरल कहते हैं। आगे देखिए, दिवाली 2024 से पहले किस राज्य में भारत का पहला पनडुब्बी सबमरीन पर्यटन शुरू किया जाएगा? जी हाँ, वर्तमान सरकार पर्यटन और खास करके समुद्र और नदियों के तटीय क्षेत्रों में अंतर्देशीय पर्यटन पर कुछ खासे गंभीर है और होना भी चाहिए। अभी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा भी अंतर्देशीय पर्यटन प्राधिकरण की स्थापना की गई। बहरहाल यहाँ दिवाली के ठीक पहले जो सबमरीन पर्यटन यानी समुद्र में डूब करके चलने वाली जो पनडुब्बी हैं उनको सबमरीन कहा जाता है, और ये किस राज्य के द्वारा शुरू किया जाएगा? गुजरात के द्वारा। यहाँ पर कहाँ शुरू किया जाएगा? द्वारका। कहा जाता है कि आज भी समुद्र में द्वारका बेट एक ऐसा जो है समुद्र के नीचे द्वीप है जिससे कि यहाँ पर किसी महल के होने का प्रमाण मिलता है, साम्राज्य के पाए जाने का प्रमाण मिलता है। तो कुछ लोग इसको उस अध्यात्म से जोड़ते हैं कि भगवान कृष्ण जब मथुरा छोड़ करके जा करके और द्वारिका में अपनी नगरी जो है बसाया तो उसी बेट आइलैंड पर जो है ये द्वारिका नगरी आबाद हुई थी, जो वर्तमान समय में समुद्र में जो है बिल्कुल ही जो है डूबी हुई है। और अब वर्तमान सरकार वहां उन क्षेत्रों के भ्रमण के लिए अब सबमरीन पर्यटन का शुरुआत करेगी जस्ट दीपावली से पहले। कहां पर? गुजरात। गुजरात जिसकी राजधानी जो है गांधीनगर है। और यह है स्क्रीन पर अगला सवाल, दिसंबर 2023 में अभ्यास अस्त्र शक्ति 2023 कहां आयोजित किया गया? कहां इसका जो है आयोजन किया गया? वायु स्टेशन सूर्यलंका में आयोजित किया गया, और यह सूर्यलंका है, श्रीलंका नहीं है, ध्यान रखेंगे। यह कहां पड़ता है? आप कहेंगे कि आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश जिसकी राजधानी ऐसा भारत का पहला जो है राज्य है जिसने तीन राजधानियों को बनाने का डिक्लेरेशन किया था, एक कर्नूल, दूसरी विशाखापत्तनम और तीसरी अमरावती। भारत का पहला राज्य है आंध्र प्रदेश, जहां पर कि इस समय 5 जो है डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। आजाद भारत के बाद यह पहली ऐसी घटना थी, और आंध्र प्रदेश पहला राज्य है जो कि 1 अक्टूबर 1953 को तेलुगु भाषा के आधार पर अपने अस्तित्व में आने वाला पहला भारतीय राज्य था। दिए हुए प्रश्न का कौन सा जो है विकल्प सही है? जी ए विकल्प, यानी जो है वायु सेना वायु स्टेशन सूर्यलंका पर अस्त्र शक्ति 2023 का आयोजन किया गया। किसके द्वारा? भारतीय सेना के द्वारा, और उसके पीछे जो है उद्देश्य था कि समर नामक जो है एंटी डिफेंस सिस्टम का टेस्ट किया जाना था। इस समय भारत जो है
S-400 जो कि रूस से लिया हुआ है अपना डिफेंस सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम, उसका इस्तेमाल कर रही है। लेकिन जो अपना भारत सरकार या कह लें कि रक्षा मंत्रालय खुद का जो एयर डिफेंस सिस्टम डेवलप करेगा उसका नाम जो है क्या होगा, समर। समर का मतलब समर सिंह नहीं, ना, समर का मतलब होता है सरफेस एयर मिसाइल एस्योर टू रोटेशन। आगे बढ़े, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में इजराइल की एल्बिट सिस्टम द्वारा निर्मित एवं विकसित हर्मिस 1900 को भारतीय सेना में शामिल किया जाएगा। बिल्कुल सही है, अभी ये डील जस्ट कुछ समय जो है पहले हुई थी। और ये हर्मिस है क्या, तो ये एक यूएवी है, मतलब अनमैंड व्हीकल्स है, और एक तरीके का ये ड्रोन नीचे दिया भी है कि हर्मिस 1900 एक मानव रहित वाहन है, अनमैंड व्हीकल्स है, जो भारतीय निगरानी क्षमताओं में वृद्धि करेगा। और इसको हम लोग किस देश से जो है प्राप्त करेंगे, इसराइल से, जिसकी राजधानी जेरूशलम है, यरूशलम है। और इस तरह से ये कह रहा है, कौन सा कथन सही होगा, दोनों सही है। आगे बढ़ते हैं, हम लोग अपनी सीमाओं की निगरानी के लिए ये हर्मिस 1900 एक तरह का जो है ड्रोन है, जो कि एल्बिट सिस्टम पर आधारित है, और जो गवर्नमेंट की सोच है उसके अनुसार जहां पर इन ड्रोन को जो है लगाया जाएगा, जिन क्षेत्रों में, वहां पर अब भारतीय सैनिकों की गतिविधियों को कम कर दिया जाएगा। अगला प्रश्न देखें, 31 अक्टूबर 2023 को MiG-21 बाइसन लड़ाकू विमान ने सुखोई 13 MKI विमान के साथ राजस्थान के किस जिले में उत्तरलाई में अंतिम उड़ान भरी थी, बाड़मेर में। MiG-21 जो कि रूस से भारत को प्राप्त हुआ एक फाइटर प्लेन था, और पिछले दिनों ये बहुत ज्यादा दुर्घटनाग्रस्त हो रहा था, इसलिए भारत की डिफेंस आर्मी ने इसे वर्ष 2025 में अब एक सिस्टमेटिक वे में धीरे धीरे इसको रिप्लेस करेगा। और किसके द्वारा रिप्लेस किया जाएगा, तो सुखोई 13 के द्वारा, एमकेआई के द्वारा किया जाएगा। किससे रिप्लेस किया जाएगा, सुखोई 13 एमकेआई के द्वारा किया जाएगा। ये वही MiG-21 जो फाइटर प्लेन है जिससे वर्ष 2019 में एक बार ऐसा लगा कि पाकिस्तान के साथ जो है युद्ध हो जाएगा, और अभिनंदन ने इसी MiG-21 विमान से पाकिस्तान की जो है एक विमान को मार गिराया था। बहरहाल दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है, अंतिम विकल्प सही है, सुखोई 30 MKI विमान के साथ जो है ये अपनी अंतिम उड़ान जो है भरा था। एक सिस्टम होता है जिस सिस्टम के तहत विभिन्न फाइटर प्लेन को या हेलीकॉप्टर को या फिर जो है सबमरीन हो या युद्धपोत हो, बकायदे तीनों सेनाओं की जो है प्रमुख जो ऑफिसर्स हैं उनकी देखरेख में बकायदे उसको एक सिस्टम के तहत उनको अंतिम विदाई दी जाती है। यहाँ पर भी वही हुआ था बाड़मेर में। ये हमारी संस्था के द्वारा आपकी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए टेस्ट सीरीज जारी की गई है। आप इस टेस्ट सीरीज का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और परीक्षाओं में अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। अगला प्रश्न, अक्टूबर 2023 के मध्य वार्षिक संयुक्त मानवीय सहायता आपदा राहत चक्रवात 2023 कहां पर आयोजित किया गया था। चक्रवात 2023 का आयोजन किया गया था कहां पर, गोवा, जिसकी राजधानी कहां पर है, पणजी है, और गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है। आपको बता दें कि भारतीय सेनाओं के बीच जब कभी भी ऐसी सिचुएशन बन जाए जिसके वजह से जो है कोई नेचुरल क्लाइमिटी हो जाए, तो इनके बीच जो है कोऑपरेशन, तालमेल बनाए रखने के लिए हमेशा चक्रवात युद्धाभ्यास का आयोजन किया जाता है। वर्ष 2022 में इसका आयोजन जो है आगरा में किया गया था, लेकिन वर्ष 2023 में इसका आयोजन कहां पर किया गया, गोवा में किया गया। किसके द्वारा किया गया, आप कहेंगे कि भारतीय तीनों सेनाओं के द्वारा किया जाता है। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा, जी हां, दिए हुए प्रश्न का जो है तीसरा विकल्प 100% सही होगा। हालांकि यहां पर इंडियन एयरफोर्स और आर्मी ने ही सिर्फ पार्टिसिपेट किया था। अगला प्रश्न को देखें,
भारत के ड्रोन शक्ति 2023 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 25 से 26 सितंबर 2023 के मध्य इसका आयोजन ग्वालियर मध्य प्रदेश में किया गया। जी नहीं, 2022 में इसका आयोजन ग्वालियर में किया गया था। कब? 2022 में इसका आयोजन किया गया था। कहां पर? कहां पर? तो आप कहेंगे कि ग्वालियर में। और 2023 में इसका आयोजन कहां किया गया था? आप कहेंगे कि गाजियाबाद में किया गया था। कहां पर? गाजियाबाद, जो कि उत्तर प्रदेश का जो है एक शहर है, और हिंडन एयरबेस पर, हिंडन एयरपोर्ट पर ये ड्रोन एग्जीबिशन का आयोजन किया गया था। तो दिए हुए प्रश्न का पहला विकल्प तो सही नहीं होगा। दूसरा कह रहा है, क्या इस दौरान पहली C-295 परिवहन विमान औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में शामिल होगी? C-295 ये विमान हम लोग जो है किससे ले रहे हैं? इसराइल से। और दिए हुए प्रश्न में केवल दूसरा विकल्प सही है, इसलिए ए ऑप्शन की तरफ आप जाएंगे। बढ़ते हैं हम लोग पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न को देखें, सॉरी अगले प्रश्न को देखें। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय वायुसेना ने हाल ही में एक मालवाहक विमान से टाइप वी हैवी ड्रॉप सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। टाइप वी हैवी ड्रॉप सिस्टम क्या है? तो पैराशूट के माध्यम से, पैराशूट जानते हैं, आपातकालीन स्थिति में जब एरोप्लेन का जो पायलट होता है उस छतरी को लेकर के और कूद जाता है, जिसको हम लोग पैराशूट कहते हैं। अब सिर्फ उसका इस्तेमाल सिर्फ लाइफ सेविंग इंस्ट्रूमेंट के रूप में नहीं, बल्कि उसका इस्तेमाल इस तरह से किया जाएगा कि 20 टन से भी अधिक सामान लेकर के, और ऐसे दुर्गम क्षेत्र जहां पर युद्ध के दौरान एरोप्लेन या दूसरे व्हीकल्स नहीं पहुंच सकती हैं, वहां एरोप्लेन के माध्यम से पैराशूट के द्वारा जो है ये कार्गो को, यानी जो है आर्मी कार्गो को या सामान को उतारा जाएगा। उसी को टाइप वी हैवी ड्रॉप सिस्टम का नाम दिया गया है। और इसका निर्माण कार्य जो है कहां पर किया गया था? तो इसका निर्माण कार्य एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट आगरा, DRDO का एक विंग है, वहीं पर इसका निर्माण कार्य किया गया था। और अभी हाल ही में इसको टेस्ट भी किया गया। तो दिए हुए विकल्प का, प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? दोनों। आगे देखें, मछुआरों की सुरक्षा के लिए विकसित नभ मित्र नामक उपकरण का सफल परीक्षण नीदकारा केरल में 26 अगस्त 2023 को किया गया। यह उपकरण किसने विकसित किया है? सबसे पहले तो यह नभ मित्र को जानेंगे कि नभ मित्र या तो पूछेगा कि यह क्या है, तो समुद्र में जाने वाले मछुआरों को होने वाले मौसमीय घटनाओं से अवगत कराने के लिए ये नभ मित्र का परीक्षण किया गया था। और इसका डेवलपमेंट किया है, इसको बनाया है किसने? तो इसरो, यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो कि 15 अगस्त 1969 को अपने एग्जिस्टेंस में आता है, और इसी संगठन के द्वारा इस नभ मित्र नामक उपकरण का निर्माण किया गया है। कहां पर? तो कहां पर किया गया है? तो आप कहेंगे कि अहमदाबाद में। लेकिन यह परीक्षण हुआ कहां था, कहां पर यह टेस्टिंग हुई है? तो याद रखेंगे निंदकारा केरल में। कब? अगस्त 2023 में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न का जो है अवलोकन करें। 15 अगस्त 2023 को भारतीय नौसेना द्वारा स्वदेशी खोज और बचाव किट, सर्च एंड रेस्क्यू किट, जिसका नाम क्या दिया गया है? शार्क का पहली बार सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। बिल्कुल सही है, शार्क किट, जिसका इस्तेमाल गोताखोरों के द्वारा या समुद्र में जाने वाले सैनिकों या फिर मछुआरों को जो है उपलब्ध कराया जाएगा उनकी आवश्यकताओं के अनुसार। और इसका सफल परीक्षण 15 अगस्त 2023 को किया गया था। अगला कह रहा है ऑप्शन में, SRK किट को आगरा स्थित रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की प्रयोगशाला एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट द्वारा बनाया गया है। तो दिए हुए प्रश्न का जी दोनों विकल्प सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न का करें अवलोकन। उत्तर कोरिया द्वारा अपनी प्रथम परिचालन सामरिक परमाणु हमला पनडुब्बी, जिसका नाम दिया गया है क्या? सबमरीन 841 के अनावरण में चुनिंदा राष्ट्रों की सूची में शामिल हो गया। जी हां, इन्होंने परमाणु शक्ति से संपन्न सबमरीन का
टेस्ट करके उत्तर कोरिया जो कि क्लोज्ड इकोनॉमी वाला एक देश है, यानी किसी से इसका कोई लेना देना नहीं है, कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो है इसका नहीं है, लेकिन चाइना का इसके सिर पर हाथ है। और वैसे तो ये छोटा सा देश है लेकिन अमेरिका को भी धमकी देने से बाज नहीं आता है, और अमेरिका की जो है ये कमजोर कड़ी है। पनडुब्बी नंबर 841 का अन्य नाम हीरो किम कुन ओके है। जी बिल्कुल ओके है, ओके याद रखना। इस सबमरीन का नाम क्या है जिसका नंबर 841 है? हीरो किम कुन ओके, जो कि उत्तर कोरिया के नौसैनिक कमांडर के नाम पर रखा गया है। दोनों ऑप्शन जो है सही है, इसलिए अंतिम विकल्प सही है। नॉर्थ कोरिया जिसकी राजधानी जो है प्योंगयांग है, जबकि साउथ कोरिया जिसकी राजधानी सियोल है। और मजे की बात यह है कि ये दोनों देश आजाद हुए तो दो भागों में वैसे ही बट गए जैसे भारत और पाकिस्तान। भारत अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है 15 अगस्त को, साउथ कोरिया भी अपना इंडिपेंडेंस जो है 15 अगस्त को ही मनाता है, जबकि पाकिस्तान अपना इंडिपेंडेंस डे मनाता है 14 अगस्त को, नॉर्थ कोरिया भी अपना इंडिपेंडेंस 14 अगस्त को ही सेलिब्रेट करता है। हालांकि उससे इसकी विचारधारा भी मिलती है। दिए हुए प्रश्न में दोनों विकल्प सही है। वॉन यहाँ की करेंसी है, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया दोनों देशों की करेंसी है। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की इंटरनेशनल बाउंड्री को किस नाम से जानते हैं आप कमेंट करके मुझे बताएंगे। साउथ कोरिया एंड नॉर्थ कोरिया की इंटरनेशनल बाउंड्री अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को किस नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न देखें, एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह एक द्विवार्षिक बहुपक्षीय त्रिसेवा सैन्य अभ्यास है। बिल्कुल सही है। इसका आयोजन 27 अगस्त से 16 सितंबर के बीच 2023 के मध्य काहिरा एयरबेस में जो है किया गया था। बिल्कुल सही है, यह भी सही है। एक्सरसाइज ब्राइट स्टार याद रखेंगे, पहली बार इसको जो है इंडिया को इसमें इन्वाइट किया गया, भारत ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया है। साइक्लोन 2023 युद्धाभ्यास भी किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया? पहली बार मिस्र के द्वारा आयोजित किया गया, मिस्र और भारत के द्वारा। और जैसा कि आपको पता है कि पिछले वर्ष इंडिपेंडेंस डे पर एज ए चीफ गेस्ट आए हुए थे कौन? तो मिस्र के राष्ट्रपति फतेह अल सिसी महोदय आए हुए थे, और उसका ये असर था। आप बस एक्सरसाइज ब्राइट स्टार याद रखेंगे, काहिरा जो कि मिस्र की जो है राजधानी है वहां पर आयोजित किया गया था, जबकि साइक्लोन वार एक्सरसाइज सिर्फ जो है मिस्र और भारत के बीच, जबकि ये एक्सरसाइज ब्राइट स्टार में इंडिया सहित दूसरे देशों ने, मोर देन वन कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया। यह एक द्विवार्षिक है, ये सब ना याद रखें, बस ब्राइट स्टार याद रखें, साइक्लोन याद रखें, भारत और मिस्र याद रखें, इतना काफी है। अगस्त 2023 में नवा अंतर्राष्ट्रीय सैन्य तकनीकी मंच आर्मी 2023 कहां आयोजित हुआ? आर्मी 2023 का आयोजन कहां पर हुआ था? रूस में, इसराइल में, जापान में या अमेरिका में? आर्मी 2023 एक वेपन एग्जीबिशन है। क्या है? वेपन्स एग्जीबिशन। और इसका आयोजन कहां पर किया गया? इसका आयोजन कहां किया गया, किस देश के द्वारा किया गया? तो आप कहेंगे कि मॉस्को में किया गया, यानी रूस में इसका आयोजन किया गया है। और मजे की बात तो यह है कि इस आयोजन में भारत और ईरान, चाइना जैसे देश भी, भारत और चाइना तो कभी शांतिपूर्वक रहते नहीं है, उनके भी जो है काउंटर अगल बगल लगे थे, पवेलियन जिसको कहा जाता है। यह एक वेपन्स, यूं कह लो कि जो है हथियार, अपने हथियारों को प्रदर्शित करने के लिए एक मंडी थी, वेपन्स एग्जीबिशन था, जिसका नाम आर्मी 2023 दिया गया था। भारत को भी इसमें इन्वाइट किया गया था, और किया भी क्यों न जाए, दुनिया में सबसे अधिक अगर हथियारों का आयात करता है, वेपन्स इंपोर्ट करता है तो कौन? भारत। और एक्सपोर्ट करता है तो कौन? अमेरिका। लेकिन भारत ने सबसे अधिक अगर जो है लिया है, लगभग 45% टोटल अपने जो है वेपन्स का 45% पार्ट, तो वो कहां से? रशिया से लिया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, अगले प्रश्न का करते हैं अवलोकन। अगला प्रश्न, हिरान
MK2 ड्रोन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अगस्त 2023 में भारतीय वायुसेना से 4 हेरान MK2 ड्रोन शामिल किया गया। बिल्कुल सही है, हेरान MK2 ये ड्रोन किससे जो है शामिल किया गया, किस देश से? जी हाँ, इसराइल से। इसराइल से जो है ये शामिल किया जाएगा और ये 35,000 फीट की ऊंचाई पर 45 घंटे तक उड़ान भरने में सक्षम ये ड्रोन है। और आपको बता दें कि हेरान MK2 हेरान MK1 का ही जो है अपडेटेड वर्जन है, अपडेटेड वर्जन है जो कि भारतीय सेना को प्राप्त होगा। किससे? जी हाँ, इसराइल से। दिए हुए प्रश्न में सी विकल्प जो है सही होगा। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं, थोड़ी सी तकलीफ की वजह से हमको पैर में प्रॉब्लम है, इसकी वजह से चलने में दिक्कत हो रही है, लेकिन फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूं कि इस सेशन को जल्दी कंप्लीट किया जाए। रिसर्चर्स शोधकर्ताओं की एक टीम ने विश्व का पहला ह्यूमनाइड रोबोट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, पहला ह्यूमनाइड रोबोट जिसका नाम दिया गया है पिबट, और ये रोबोट किस देश के द्वारा जो है डेवलप किया गया है, किस देश के द्वारा डेवलप किया गया है? तो आप कहेंगे कि साउथ कोरिया के द्वारा जो है। किसके द्वारा? साउथ कोरिया के द्वारा। साउथ कोरिया जिसकी राजधानी है क्या? हम सियोल। और ये करेंसी यूज करता है कौन? साउथ कोरिया कौन सी करेंसी यूज करता है? तो आप कहेंगे कि वांग। हालांकि नॉर्थ कोरिया की भी करेंसी वही है। और दुनिया का इकलौता ऐसा पहला देश है जिसने ऐसे रोबोट का, आप कह लें पायलट रोबोट का जो है डेवलपमेंट किया है, ऐसा रोबोट बनाया है जब एरोप्लेन को उड़ाने के लिए पायलट की जरूरत नहीं, रोबोट ही काम कर लेगा, और उस रोबोट का नाम दिया गया है क्या? पिबट। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, अगस्त 2023 में लॉन्च किया गया प्रबल, प्रबल क्या है? तो प्रबल जो है एक रिवॉल्वर है और लंबी दूरी का रिवॉल्वर है जो कि 50 मीटर तक जो है, ये 50 मीटर तक दूर से जो है वार किया जा सकता है इससे। और इस प्रबल का निर्माण कहीं दूर नहीं, आपके नैनी में, इलाहाबाद में जो है किया गया, प्रयागराज में जो है किया गया, जो 50 मीटर की मारक क्षमता वाला है। कह रहा है कौन सा संबंधित नहीं है, कौन सा तथ्य सही नहीं है? दूसरा ना तीसरा, यह रिवॉल्वर की मारक क्षमता 50 मीटर तक है, बाकी सब जो है इसमें विकल्प 100% सही है। प्रबल क्या है? एक रिवॉल्वर है, और इतना जो है बात आप बस याद रखें, बाकी सब ओके ओके। अगला प्रश्न, भारतीय रक्षा मंत्रालय द्वारा इंटरनेट से जुड़े सभी कंप्यूटरों में माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम OS को एक नए OS माया के साथ बदलने का फैसला किया गया है। जी हां, भारत के रक्षा मंत्रालय के द्वारा जो पड़ोसी देशों के द्वारा जो साइबर अटैक किए जा रहे हैं, उससे सेफ्टी के लिए माया नामक एक ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप किया गया है, जिसमें शिडेक, इसरो, DRDO और भी जो है संस्थानों ने अपना सहयोग दिया है, और उस ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम रखा गया है माया। यानी अब हम लोगों को अमेरिका के माइक्रोसॉफ्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि हम अपने जो है ऑपरेटिंग सिस्टम माया से माया की दुनिया का आगाज करेंगे। हालांकि इसमें जो इस माया नामक ऑपरेटिंग सिस्टम में जो एंटीवायरस ऑलरेडी अपलोडेड है, उसका नाम है चक्रव्यूह। दोनों बात जो है याद रखेंगे। जैसे चाइना जो अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप किया, सेम एज भारत। यहां लिखा भी गया है सेकंड ऑप्शन में कि माया OS में विंडोज की तरह इंटरफेस और सभी कार्य क्षमता है, और उपयोगकर्ताओं को इससे बदलाव के दौरान ज्यादा अंतर महसूस नहीं होगा। यानी माया जिस कंप्यूटर में जो है यूज किया जाएगा, आपको बताने की जरूरत नहीं है। अब ये सिर्फ और सिर्फ जो है डिफेंस से संबंधित जितने भी ऑफिसेज हैं वहीं पर इसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो दिए हुए प्रश्न का पहला, दूसरा, तीसरा विकल्प, आपको याद क्या रखना है? माया क्या है, माया क्या है, और किसके द्वारा इसका डेवलपमेंट किया गया है। बस आगे बढ़े हम लोग। मानव रहित हवाई प्रणाली ड्रोन के लिए भारत का पहला सामान्य परीक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? दुनिया में इजराइल ये ड्रोन बना रहा है अपने सरहदों की सुरक्षा के लिए,
कुछ देश जो है ड्रोन का इस्तेमाल जासूस के रूप में कर रहे हैं। हम भारत के लोग अनोखे लोग हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी ड्रोन का इस्तेमाल खेतों में उर्वरक खाद के छिड़काव के लिए, यूरिया के छिड़काव के लिए जो है, तो हम लोग गजब। ऐसे ड्रोन के जो है परीक्षण के लिए जो स्थल निर्धारित किया गया है वो है तमिलनाडु, यानी सामान्य परीक्षण केंद्र या कह लो कि इसका जो है टेस्टिंग सेंटर कहां पर स्थापित किया गया, तमिलनाडु, जिसकी राजधानी है क्या, चेन्नई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, अगले प्रश्न का करें हम लोग अवलोकन। अगला प्रश्न देखें, अगस्त 2023 में भारत को किस देश से स्पाइक NLOS मिसाइल प्राप्त होगी, किससे प्राप्त होगी बताने की जरूरत नहीं, इजराइल। इजराइल आजकल दुनिया का हर देश भारत को अपना हथियार बेचने के लिए तैयार है, लालायित है, क्योंकि भारत की सरहदों पर जो दो अत्यंत शांति प्रिय देश हैं, एक तरफ चंडालपुरी दूसरी तरफ पिछासपुरी। देखते हैं अगले प्रश्न का करते हैं अवलोकन। जून 2023 में भारतीय सेना द्वारा कहां पर अभ्यास आग्नेयास्त्र प्रथम का आयोजन किया गया, आग्नेयास्त्र अभ्यास आग्नेयास्त्र फर्स्ट का आयोजन भारतीय सेना के द्वारा कहां पर किया गया, लद्दाख में किया गया। कब? लद्दाख में। भारत और चीन के बीच जो लद्दाख की इंटरनेशनल बाउंड्री है उसे LAC कहते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं। और उधर POK जो है वो लगता है किससे, तो वो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से लगता है। वैसे भारत और पाकिस्तान के बीच जो इंटरनेशनल बाउंड्री है उसको रेड क्लिफ लाइन के नाम से जाना जाता है। भारत और चाइना के बीच जो मैकमोहन रेखा है वो अरुणाचल प्रदेश वाले बेल्ट में पड़ती है। यहां पूछ रहा है कि आग्नेयास्त्र प्रथम का आयोजन कहां पर किया गया, लद्दाख में, पूर्वी लद्दाख में किया गया। किसके द्वारा? भारतीय सेना के द्वारा, क्योंकि पड़ोस में जो चाइना बसा है। जून 2023 में भारत ने किस देश की स्वदेश निर्मित मिसाइल कार्वेट INS कृपाण, ये कार्वेट को इसी INS कृपाण पर जो है स्थापित किया गया है, और इसको उपहार में किसको दिया जाएगा, किसको दिया जाएगा, तो आप कहेंगे वियतनाम को दिया जाएगा। मैं पहले भी इस पर चर्चा किया, वियतनाम जो कि आसियान कंट्री है, और वियतनाम जिसकी करेंसी डॉग है, और सिमबैक्स, इसके साथ हम लोग वॉर एक्सरसाइज करते हैं, युद्धाभ्यास करते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, उससे पहले बता दें भूटान जिसकी राजधानी जो है थिम्पू है, थिम्पू, और इसकी करेंसी को न्यू गल्ट्रम के नाम से जाना जाता है, न्यू गल्ट्रम के नाम से जाना जाता है, न्यू गल्ट्रम के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश जिसकी राजधानी ढाका है, श्रीलंका जिसकी राजधानी जो है जयवर्धनेपुरम है। अगला प्रश्न, जून 2023 में किस देश में विश्व की सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक विंड टनल पवन का अनावरण किया गया, हाइपरसोनिक यानी जो है जिसकी स्पीड जो है ध्वनि की स्पीड से जो है अधिक है, और ऐसे टनल का इस्तेमाल कहां पर किया गया है, कहां पर किया गया है, निर्माण किया गया है चाइना के द्वारा, विशिंग में किया गया है। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा, दिए हुए प्रश्न का दूसरा विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं, किस देश ने पानी के अंदर परमाणु हमला करने के अपने ड्रोन हैडल 2 का परीक्षण किया है, साउथ कोरिया ना उत्तर कोरिया, उत्तर कोरिया के द्वारा जो है किया गया, और इसने जो है हलचल मचा करके रख दिया, दुनिया के उन देशों की श्रेणी में आ खड़ा हुआ जिनके पास जो है पानी के भीतर भी परमाणु युद्ध करने का पावर हो चुका है। दिए हुए प्रश्न का अंतिम विकल्प सही है, उत्तर कोरिया जिसकी राजधानी जो है प्योनप्यांग है, करेंसी वन है। अप्रैल 2023 में नासा के सौर ऊर्जा संचालित, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सौर ऊर्जा संचालित इंजनुइटी हेलीकॉप्टर के किस ग्रह पर उच्चतम गति और एवं उच्चतम ऊंचाई तक उड़ान भरने में विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है, इंजनुइटी ये हेलीकॉप्टर है किसका, नासा का, तो बताने की जरूरत है। नासा बोले तो अमेरिका की स्पेस एजेंसी, और इस
स्पेस एजेंसी के द्वारा, नासा के द्वारा मंगल ग्रह पे अपने इस हेलीकॉप्टर को उड़ाने में सहायता मिली है, सफलता प्राप्त हुई है। और मजे की बात है कि वो भी जो है सोलर एनर्जी से जो है अपने हेलीकॉप्टर को वहां पर करीब, ये हालांकि पहली बार तो इसको सफलता वहां पर अपने हेलीकॉप्टर को मूव कराने में सोलर एनर्जी से 2021 में ही मिली, लेकिन इस बार 15 से 20 मीटर की ऊंचाई तक उसको उड़ाने में इसे सफलता मिली है, जो कि आने वाले समय में अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक बहुत जो है बड़ी क्रांति के रूप में इसे देखा जा रहा है। किस ग्रह पर? तो मंगल ग्रह पर इन्होंने ये सफलता प्राप्त की। मंगल ग्रह जिसको कि रेड प्लैनेट के नाम से जानते हैं, लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। और यहां पर हम लोगों ने अपना मॉम मिशन भारत के द्वारा भेजा गया था। मॉम मिशन कब भेजा गया था आप कमेंट करके बताएं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न का करें अवलोकन। 60 तक जाकर के ये जो है सेशन कंप्लीट हो जाएगा। 60 क्वेश्चन दिए गए हैं। नॉर्वेजियन कंपनी नॉरलैंड द्वारा शुरू की गई विश्व की पहले तरह की हाइड्रोजन संचालित नौका किस देश के द्वारा जो है शुरू की गई? नॉर्वे के द्वारा। नॉर्वेजियन कंपनी नॉरलैंड के द्वारा शुरू की गई और इसका नाम दिया गया है, यह तरल हाइड्रोजन से चलने वाली जो है, इससे लिक्विड हाइड्रोजन, तरल हाइड्रोजन से चलने वाली यह नौका, जिसका नाम है MF हाइड्रा। क्या नाम है? MF हाइड्रा। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? तीसरा विकल्प 100% सही होगा। आगे देखें, 29 मार्च 2023 को किस देश ने ऑफेक 13 नामक एक जासूसी उपग्रह जो है सैटेलाइट लॉन्च किया? ये सारे काम इजराइल के द्वारा जो है किया जाता है। आगे देखें, बालिकातन सैन्य अभ्यास से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह अमेरिका इजराइल के बीच आयोजित होने वाला वार्षिक फिलीपींस के बीच आयोजित किया गया युद्धाभ्यास था, और ताइवान के पास ये युद्धाभ्यास आयोजित हुआ, जिसको लेकर के चीन और अमेरिका की जो है बीच एक बार लगा कि सांस्कृतिक कार्यक्रम हो ही जाएगा, लेकिन नहीं हुआ, और न हो तो ही सही है, वरना चीन और अमेरिका जिस दिन युद्ध में जो है उतर गए, तो एक तो महाशक्ति रूस ऑलरेडी इन्वॉल्व है, फिर तो अगला वर्ल्ड कप हो जाएगा। पहला हुआ था 1914 में, दूसरा 39-45 में, अगला विश्व युद्ध पता चलेगा कि अब हो जाएगा। बहरहाल दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? दूसरा विकल्प सिर्फ सही होगा। ये बालिकातन सैन्य अभ्यास अमेरिका और फिलीपींस के बीच आयोजित किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, फिलीपींस जिसकी राजधानी जो है मनीला है। आगे देखें, 21 मार्च 2023 को किस देश ने समुद्र के अंदर मार करने वाला हैइल नामक एक परमाणु ड्रोन का सफल परीक्षण किया? ये सारे काम आजकल जो है कर रहा है कौन? उत्तर कोरिया। किसके द्वारा किया गया? जी हां, उन क्षेत्रों में इसने जो है भूकंप जैसी स्थिति को पैदा कर दिया। हैइल का मतलब ही होता है इनकी भाषा में सुनामी। तो इस ड्रोन का इस्तेमाल परीक्षण किसके द्वारा जो है किया गया था? उत्तर कोरिया, जिसकी राजधानी प्योनपियांग है और वॉन यहां की करेंसी है। संयुक्त सैन्य अभ्यास कवच 2023 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह देश के एकमात्र संयुक्त बाल कमान अंडमान निकोबार के तहत भारतीय सेना, भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना एवं भारतीय तटरक्षक बल संसाधनों को मिलाकर के बिल्कुल सही है। ये अभ्यास कवच युद्धाभ्यास 2023 कवच अगर जो पूछेगा तो कवच युद्धाभ्यास एक हैकथॉन है, जो कि साइबर अटैक से बचाने के लिए ये किया गया था, लेकिन कवच युद्धाभ्यास जिसमें कि भारत की तीनों सेनाओं ने पार्टिसिपेट किया, तटरक्षक बल भी जो है जिसमें हिस्सा लिया, और इसे कवच 2023 के नाम से जाना गया। ये कहां पर आयोजित किया गया? अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे आयोजित किया गया था। दूसरा, इसका आयोजन 23 फरवरी से 7 अप्रैल 2023 को हुआ था। बिल्कुल सही है दिए हुए प्रश्न का। दोनों विकल्प 100% सही है। आगे देखें, मार्च 2023 में किन सेनाओं के बीच अभ्यास वायु प्रहार 2023? भारतीय थल सेना एवं वायुसेना, यहां लिखा भी है 2022 में इसका आयोजन नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट हैं उधर जो है किया गया था।
यानी पूर्वोत्तर भारत में किया गया था, भारतीय वायुसेना और थल सेना के बीच किया जाने वाला यह युद्धाभ्यास है। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है? दूसरा। तीनों सेनाओं के बीच होने वाले युद्धाभ्यास को जो है कवच के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न का करें अवलोकन। राष्ट्रीय कवच 2023 क्या है? राष्ट्रीय स्तर का एक साइबर सुरक्षा हैकथॉन है, जिसमें कि आपके DRDO, CDAC, इसरो जैसी संस्थाओं ने मिलकर के और इस कवच हैकथॉन को जो है इसलिए लाया गया ताकि पड़ोसी देशों से होने वाले साइबर अटैक से देश को सुरक्षित रखा जा सके। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? पहला विकल्प सही होगा। आगे देखिए, निम्न कथनों पर विचार करें। भारतीय सेना ने रियर एरिया सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए अभ्यास चेतक चौकस, इसको बस याद रखेंगे, वार एक्सरसाइज चेतक चौकस का आयोजन किया है। बिल्कुल सही है, 100% सही है। इस अभ्यास का आयोजन भारतीय सेना के चेतक कोर के द्वारा जो है आयोजित किया जाता है। दोनों सही है। अपने सरहदों को सुरक्षित रखने के लिए चेतक कोर के द्वारा जो है आयोजित किया गया अभ्यास, जिसको कि चेतक चौकस के नाम से जाना गया। तो दोनों विकल्प इसमें सही है। Oh my God। भारत और अमेरिका के बीच प्रमुख युद्धाभ्यास नहीं हुआ है। टाइगर ट्रंप, मैंने बताया था इस युद्धाभ्यास का आयोजन 2019 में किया गया। वज्रपहार 2023 में इसका आयोजन उमरोई में किया गया है। कहां पर? जी हां, उमरोई मेघालय में किया गया है। युद्धाभ्यास 2022 में आयोजित किया गया। अभ्यास तर्कस 2023 में चेन्नई में भारत और अमेरिका के बीच आयोजित किया जाने वाला ये कमांडोज वॉर एक्सरसाइज है, यानी टाइगर भी भारत अमेरिका के बीच, टाइगर ट्रंप भारत अमेरिका के बीच, थल सेनाओं के बीच वज्र प्रहार, युद्ध अभ्यास, अभ्यास तर्कस। तो कौन सा विकल्प सही होगा? यही, क्योंकि पूछ रहा है क्या, यहां पर यही पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा अभ्यास नहीं हुआ है। तो सब तो हुए हैं। किसके किसके बीच? भारत और अमेरिका के बीच, भारत और अमेरिका के बीच आयोजित होने वाली यह वॉर एक्सरसाइज है। अगला प्रश्न देखें। भारत और फ्रांस के बीच प्रमुख युद्धाभ्यास नहीं हुआ, नहीं हुआ। युद्धाभ्यास गरुण, बिल्कुल सही है। ये वॉर एक्सरसाइज है जिसका आयोजन राजस्थान में जैसलमेर में किया गया था, जैसलमेर में किया गया था। वरुण युद्धाभ्यास 2022 में पश्चिमी घाट पर किया गया था, पश्चिमी घाट पर किया गया। शक्ति युद्धाभ्यास 2022 में फ्रांस में हुआ था। फ्रिंजेक्स 2023 में केरल के तिरुवनंतपुरम में हुआ और यह पहली बार हुआ था। जो 2023 वाला है इसको जो है आप याद रखेंगे। बाकी गरुण वरुण शक्ति, गरुण वरुण शक्ति, गरुण वरुण शक्ति, गरुण वरुण शक्ति, ऐसे याद कर लें। ये भारत और फ्रांस के बीच ही जो है होता है। बाकी जो 23 में हुआ है वही इंपॉर्टेंट है। गरुण का मतलब गिद्ध, और गिद्ध कहां उड़ता है भाई? आकाश में, और कहां, मॉल में उड़ेगा? तो गरुण युद्धाभ्यास दोनों देशों की वायु सेनाओं के बीच होता है। वरुण का मतलब समुद्र, यानी वरुण युद्धाभ्यास भारत और फ्रांस की जल सेना यानी जो है नेवी के बीच आयोजित किया जाता है। शक्ति युद्धाभ्यास जो कि दोनों की आर्मी के द्वारा आयोजित किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले मैं बता दूं, इसमें तो सब सही है, एक और विकल्प जोड़ लीजिए और वो कर दीजिए क्या, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखें। भारत और रूस के बीच प्रमुख युद्धाभ्यास नहीं हुआ, क्या हुआ, हद हो गया। इंद्र युद्धाभ्यास बिल्कुल सही है, भारत और रूस की सेनाओं के बीच किया जाता है। इंद्रा युद्धाभ्यास भी इन्हीं दोनों के बीच होता है। अविंद्र युद्धाभ्यास, जी हाँ, इनकी वायु सेनाओं के बीच किया जाता है, इसलिए डी विकल्प सही होगा, क्योंकि ये जितने युद्धाभ्यास हैं हम लोग रूस के साथ ही करते हैं। लेकिन अभी 2023 में हाल फिलहाल कोई युद्धाभ्यास नहीं हुआ है, क्योंकि ऑलरेडी रूस जो है रियल युद्ध में व्यस्त है। भारत और जापान के बीच युद्धाभ्यास सुमेलित नहीं है। धर्म गार्जियन, बिल्कुल भारत जापान के बीच होता है। जिमेक्स अभी इसी वर्ष हुआ है। वीर गार्जियन भारत जापान के बीच, सैन्य मंत्री भारत जापान के बीच। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा?
जो 2023 में आयोजित हुए हैं वॉर एक्सरसाइज, उसमें पूरा डिटेल याद रखें, कौन सा संस्करण है, कहां पर आयोजित किया गया, किनके बीच हुआ, वरना बाकी सब बस इतना ही याद आप याद रखें कि इन देशों के साथ हमारे ये युद्धाभ्यास होते हैं। और संभवतः भारत और ब्रिटेन के बीच युद्धाभ्यास सुमेलित नहीं है, इंद्रधनुष दोनों सेनाओं की जो है दोनों देशों की सेनाओं के बीच होता है, कोंकण जी हाँ इंडियन नेवी और रॉयल ब्रिटिश नेवी दोस्ती अजय वारियर दोस्ती युद्धाभ्यास ना, ये जो है किसके बीच, इंडिया श्रीलंका और मालदीव के बीच आयोजित किया जाता है, मालदीव के बीच आयोजित किया जाता है। इसलिए दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा। तो मेरे प्यारे शिष्यों, ये था आज का सेशन और हमारी संस्था के द्वारा आपकी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए ये पुस्तकें जिनको प्राप्त करने के लिए दिए हुए नंबरों पर आप कॉल कर सकते हैं। आज बस इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगेन आप सबको गुड मॉर्निंग एंड हैव अ नाइस डे।